महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ तृतीय दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि रहे माननीय राज्यपाल मंगूबाई पटेल। छतरपुर में 14 फरवरी को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मेधावी छात्रों को माननीय राज्यपाल मंगूबाई पटेल द्वारा गोल्ड मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुभा तिवारी जी ने अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए माननीय राज्यपाल का चाल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। वहीं राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बुंदेलखंड वीरों की नगरी, जहां से कई क्षेत्र में जाकर युवाओं ने अपना परचम फहराया, साथ ही यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर बी पी शुक्ला जी, उपस्थित संकाई अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, सरकार ने कुलपति के जगह अभी तय किया है कि कुलपति को कुल गुरु कहा जाए। कुल गुरु से प्रेरणा लेकर बच्चे आगे बढ़े, उसका भाव इन शॉर्ट कहे तो यही है। मैं समझता हूं महाराजा छत्रसाल की वीर भूमि आल्हा उदल जैसे योद्धाओं और कैन बिटवा नदियों की पावन धरा बुंदेलखंड में स्थित महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और सुवर्ण पदक विजेताओं सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना भी देता हूं। ज्यादातर बच्चे दीक्षांत समारोह में बच्चियां ज्यादा आई, बच्चे कम आए। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था बेटी पढ़ाओ, अभी बेटी आगे निकल गई, बेटे पढ़ाओ, ऐसा करना पड़ेगा क्या? विश्वविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, विद्वानों के व्याख्यान, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र छात्राओं की समस्याओं के निराकरण की पहल सराहनीय है। महाराजा छत्रसाल जी के नाम पर शोध केंद्र और ऋषि मार्कंडेय उद्यान में 5,000 पौधे का रोपण और विश्वविद्यालय के हरित प्रयासों में सेना के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी सराहनीय प्रयास है। हम कभी कभी भूल जाते हैं, मैं समझता हूं पौधारोपण हरेक के जीवन में बहुत महत्व का अंग है, क्योंकि शुद्ध वातावरण से ही हमारा जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो देखो ग्लोबल वार्मिंग आ गई, कैसे आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया, नहीं तो कुदरत ने तो तय किया है शीतकाल, उष्णतावान और बारिश, चार चार महीने दिया हुआ है नेचर ने तो। मगर हम देखते हैं कभी सुबह में ठंड लगती है, दोपहर को धूप लगती है और शाम को बारिश भी आ जाती है। मानव ने कितनी प्रगति किया, देखो एक दिन में 3 मौसम आ जाती है और मौसम के ही यह बैठे हैं करता हरता। उन्होंने बताया अपने भाषण में कि क्या क्या मौसम के बदलने से क्या क्या होता है। मैं समझता हूं कि बच्चे को जहां भी अपने पास जगह हो, कहां कहां मैंने सुना है परिवार ने तय किया हुआ है कि हमारे घर में किसी का भी बर्थडे हो तो हम केक नहीं काटेंगे मगर एक पौधा डालेंगे। अगर घर में 5 व्यक्ति है तो हर साल 5 पौधे डालेंगे तो कितनी हरियाली आएगी। और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज
भागेगा, मगर हमको तय करना पड़ेगा। सभी बच्चे ने यह प्रतिज्ञा तो लिया है, मैं समझता ये भी प्रतिज्ञा लो के जीवन में जहां जाए वहां हम पौधे डाले। ऐसे करके गए तो हम ज्यादा ग्रीनरी में जी सकेंगे। जी रह गए हैं ऐसे गरीब है, अनपढ़ है, उसके सामने से उनके गांव जाकर पंचायत में जाकर ऐसे सभी जो अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं ऐसे लोगों को लाभ दिया गया है। मैं सभी बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे को मैं अपेक्षा रखता हूँ, आप जहाँ रहते हैं वहां पर झोपड़पट्टी में है गरीब है वो भी सरकार की सुविधा से वंचित है, वो भी आपको काम करना है। ये दीक्षांत समारोह मैं समझता हूँ तभी सफल होगा कि जीवन में आपके लिए तो बहुत अच्छा अपने विश्वविद्यालय ने आपको दिया, मगर अभी हम खुद का भी सोचेंगे और समाज का भी सोचेंगे, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ विश्वविद्यालय में आपने ज्ञान लिया है उसका सही मात्रा में आपको वहाँ उनका काम करेंगे तो समाज को भी एक अच्छा एक मौका मिलेगा। आपका जो दीक्षा से लिया है महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह था जिसमें हमारे प्रदेश के महामाननीय मंगू जी भाई पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में, और जो विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए, उपाधि प्राप्त की दी, उनको सम्मानित किया। मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। ये महाराज छत्रसाल की नगरी के छात्र हैं, ये आगे बढ़ें, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अपना नाम रोशन करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सर मेरा नाम राशि श्रीवास्तव। क्या आपको किस संबंध में ये आज प्रदान किया? सर मुझे MBA में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, मैं फिनेंस से हूँ, मैंने टॉप किया हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज मेरी फैमिली मेंबर्स भी मेरे साथ में है और ऊपर से आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उनको ये गिफ्ट दे के। इसका श्रेय किसको देना चाहूँगी? मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ आज नहीं होती शायद। पढ़ने के लिए अंश तिवारी। कहाँ से? यही छतरपुर से ही है। किस चीज को लेकर आज आपको सम्मानित किया? MCOM की डिग्री। MCOM की डिग्री। यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी आप चेहरा देख के बता सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। कॉलेज से राज्यपाल जी से डिग्री प्राप्त करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये किसको आप अपने बेटे के लिए करना चाहेंगे, स्पेशली किसको देना? मेरे पापा। पापा क्या कर रहा है, कैसा महसूस? पापा खेती करते हैं। खेती बाड़ी? यस। खेती बाड़ी करने बहुत ही अच्छा। पापा को क्या, पापा से बात हुई है? हाँ आए थे, वो अभी थोड़ा निकल गए हैं। अंजलि रावत। आज क्या आपको क्या पास किया? मुझे MA इंग्लिश में गोल्ड मेडल मिला है राज्यपाल के हाथों, राज्यपाल सर के हाथों। ये गोल्ड मेडल पाकर कैसा लगा? सर बहुत खुशी हो रही है, ईश्वर की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से। सर इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सभी को सर, मेरे पति को भी जिसने बच्चा संभाला तो मैं पढ़ पाई क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो 1 साल की थी जब मैं पढ़ रही थी, और अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं पढ़ नहीं पाती, मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन पति बहुत सपोर्टिव हैं और उनके वजह से ही मैं पढ़ पाई। ये डिग्री मतलब आप अपने पति को डेडिकेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।